ना मेरा बाबू परेशान कर रहा है। एक तो लिपरी को मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि थोड़ा सा लिपरी हो और लग रहा है कि एकदम से जीव आ जाए। इस बच्चे को ना मार पड़ेंगे, बहुत बदमाशी कर रहा है। बदमाशी कर रहा है ना, जाओ उधर खेलने जाओ। हम लिपरी तो दोस्तों अब ये बेड के नीचे में जा रहे लिपने। पता नहीं दोस्तों मेरा लग रहा है मैं जीव हार गया, थक गई तरह, पता नहीं कमजोरी से महसूस हो रही, पता नहीं क्यों। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, हम लिख के मिलते हैं। तो नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और दोस्तों आज बेबी न्यू बेबी का पूरे 12 दिन हो गया, और 12 दिन में दोस्तों जो बिछाना पे सोते हैं ना बिस्तर पे, वो सब क्या करता है, धुलना पड़ता है। और देखो बेबी और बाबू को कितना सर कपड़ा है, सब इसने ना इस पर से रखे थे धोने के लिए, सब फेंक दिया नीचे, देखो सब उतार उतार कर। ओए बदमाश बाबू, बेटी देखो इधर बाबू, बोल दिया ना तेरे गुस्सा हो गया, इसको लग रहा है हमने बोल दिया है। दोस्तों सबको खींचना है, इधर बेड शीट सब है, देख सकते हैं इतना सब कपड़ा है। और नीचे है बेबी बाबू का, दोनों का वो सब धोना है, फिर घर लिपाएगा दोस्तों, ये घर लिपना है, उसके बाद नहाना है, फिर नाखून उखून होता है ना वो काटना है, फिर जाके क्या कर रहे बेटा अभी देखो कैसे कैसे कर रहे। उसके बाद तब उसके बाद आज के बाद ना 12 दिन के बाद मतलब सब चीज़ छू सकते हैं, मतलब खाना वाना ये सब बना वना सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। इसको क्यों चीटे सारा को कपड़े को, मैं देखो क्या कर रहा। तो दोस्तों अभी बहुत सारे काम है, और न्यू बेबी को तेल उल मालिश करके उसको सुला दिए उस पर, देख सकते हैं उसका जितना बेड का है सब जा रहा है खींचने। बेबी बाबू दोनों का कपड़ा है, अब साफ जा रहे धुलने। दोस्तों 12 दिन के बाद मतलब सवेरी जो बोलते हैं उसमें से निकल जाते हैं, उसके बाद में मतलब सब काम करने लगते, सब कुछ छूने लगते हैं। आज के बाद मतलब नहा लेंगे ना, उसके बाद मतलब ये कपड़े उपड़े जो होता है इसमें क्यों सब धो लेंगे, और उसके बाद से मतलब हो जाएगा। तो भी दोस्तों इतना सारा कपड़ा है, कल चढ़ाने का तो दिल करता ही नहीं रहता है, दिख रहा है। अभी सबको बाबू ने ऊपर से ना नीचे गिरा दिया है, अभी सबको लेकर जा रहे कपड़ा धोने। तो तब तक के लिए आप सब बने रहिए दोस्तों। सारे कपड़े कल पर रखा है, और ये हमारे देसी गांव का परस है, इससे हम बरस करेंगे, उसके बाद में भी इसको रूम साफ करेंगे, फिर लिपाएगा। तो तब तक आप सब बने रहिए। माटी घुले है और लिखने के लिए घर, और मेरे बिट्टी रानी बाबू को बहुत भूख लगा था तो मैंने उसको डब्बे में दूध भर के दे दिए। और देखो उधर इतना सर कपड़े धोना है, तो पहले जाते घर लिख लेंगे, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं दोस्तों। पर सुना मेरा बाबू परेशान कर रहा है, एक तो लिपरी को मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि थोड़ा सा लिपरी हो और लग रहा है कि एकदम से जीव आ जाए। इस बच्चे को ना मार पड़ेंगे, बहुत बदमाशी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है ना, जाओ उधर खेलने जाओ। हम लिपने तो दोस्तों अब ये बेड के नीचे में जा रहे लिपने। पता नहीं दोस्तों मेरा लग रहा है मैं जीव हार गया, थक गई तरह, पता नहीं कमजोरी से महसूस हो रही, पता नहीं क्यों। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, हम लिख के मिलते हैं। ज़्यादा धूप हो चुकी है, अभी देख सकते हैं मैंने इतना कपड़ा धोना है, अभी इसमें इसको खींच के रखे इतना, उधर है इधर बिटिया बाबू के है, बिटिया रानी का है, और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्या ही बताए दोस्तों। हम लोगों की ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी होती है, हालत में ना थोड़ा सा वो करते हैं एकदम जीव वो हार जाता है, दिल नहीं करते करने के लिए, क्या करें।
गर्मी आके ना बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। अभी ना बेबी सोई है और बाबू गए हैं खेलने दीवार पे, तो मैंने सोचा ये घर उड़ लिख के आए तो ये भी खींच लेती हूँ। तो क्योंकि दोस्तों आज मतलब पूरे खिंचा जाएगा ना तो आज तक मतलब छुआ छूत रहता है गाँव में ऐसा माना जाता है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करें। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए। हम घर उड़ लिख के आ गए और इसको यहाँ पर रख देते हैं। पता नहीं यहाँ पर कौन सा रीति रिवाज है। दोस्तों एक बार घर लिपाया था जिस दिन ना बाबा मतलब हथियार से एक दिन पहले, और कपड़ा भी धोया था। ये फिर से छुआछूत का दिन माना जाता है गांव में, ऐसा बोलता है। तो आज 12 दिन बाद आज फिर से सब कपड़ा धोएगा और मेरा जीव एकदम झार गया, लगता है कुछ ना करो। और एक बदमाश बच्चा है मेरा, देख रहे उधर बदमाशी कर रहा है। तो अब चलते कपड़ा धोने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ही प्राप्त करते हैं, बहुत सारा कपड़ा धोना है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना दोस्तों। कुछ करने का लेकिन क्या करूँ, अब इतना सारा कपड़ा धोना है तो मजबूरी में बैठ के तो धोना ही पड़ेगा, बैठने का भी दिल नहीं कर रहा है। तो तब तक के लिए ओके बाय बाय, लव यू। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद।